हेलो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। ये बीटेक एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के लिए। तो बेसिकली थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला है स्टील स्ट्रक्चर, दूसरा है आरसीसी स्ट्रक्चर। तो स्टील स्ट्रक्चर में हम आईएस कोड यूज़ करने वाले, आईएस 800/1984। ये जो 2000 लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, 2007 होगा बेसिकली, इसका रिवाइज वर्जन है 1984 का। और दूसरा आरसीसी स्ट्रक्चर का जो आईएस कोड यूज़ करेंगे, आईएस 456/2000। तो बेसिकली हम इसमें वर्किंग स्ट्रेस मेथड यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि एक स्ट्रक्चर होता क्या है। स्ट्रक्चर होता है असेंबली ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर। अब स्ट्रक्चरल मेंबर कौन कौन से हो सकते हैं? अब ये हो सकता है टेंशन मेंबर भी हो सकता है, कंप्रेशन मेंबर भी हो सकता है, फ्लेक्सर मेंबर भी हो सकता है, तो ये एक्सेट्रा, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, ये क्या करेगा? रेसिस्ट करेगा लोड को और डिफॉर्मेशन को, या फिर एक्सटर्नल लोड के कारण जो भी डिफॉर्मेशन होगा उसको रेसिस्ट करेगा। तो बेसिकली इसका फंक्शन होता है। अब हम कितने टाइप के स्ट्रक्चरल मेंबर यूज़ करेंगे? बेसिकली हमारे पास तीन टाइप के स्ट्रक्चरल मेंबर होते हैं। पहला रोल सेक्शन, बिल्टअप सेक्शन एंड टैपर्ड सेक्शन। तो जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं रोल सेक्शन एंड बिल्टअप सेक्शन। बिल्टअप सेक्शन मार्केट में अवेलेबल नहीं होता, इसको हमको खुद को तैयार करना पड़ता है फैब्रिकेशन करके, या फिर साइट्स पे या फिर फैब्रिकेशन शॉप पे, ठीक है। और रोल सेक्शन क्या होता है, हमको पहले से ही बना हुआ मार्केट में अवेलेबल होता है, ठीक है। तो इसमें भी दो टाइप के होते हैं, हॉट रोल एंड कोल्ड रोल। हॉट रोल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इसमें भी कितने, अब जो क्या बोलते हैं, अब देखिए स्ट्रक्चर को फेल होने के लिए तीन चार फिनोमिना। पहला है सीयर, टॉर्सन एंड बेंडिंग, ठीक है। अब इन सबको रसिस करने के लिए हमने एक ऐसा सेक्शन तैयार किया जो इन सबको आराम से कैरी कर सके या झेल सके, ठीक है। तो उसके लिए हमने आई सेक्शन, एंगल सेक्शन, चैनल सेक्शन, टी सेक्शन, बॉक्स सेक्शन एंड प्लेट सेक्शन, ये सब इंट्रोड्यूस किया और बनाया। कहाँ पे? अपने स्टील प्लांट पे, ठीक है। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, बेसिकली एच जो लिखा है वो आई है, ठीक है। आई सेक्शन, ये है चैनल सेक्शन, स्क्वायर सेक्शन, या इसी को बॉक्स सेक्शन भी बोला जाता है, या फिर इसको एंगल सेक्शन भी बोलते हैं, और टी सेक्शन। तो इन सबको यूज़ करके हमको स्ट्रक्चरल मेंबर तैयार करने हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ लोड, की एक स्ट्रक्चर पे कौन कौन से लोड्स लगते हैं। अब इसके लिए हम आई एस कोड यूज़ करेंगे, आई एस 875 Part 1 to Part 5। तो बेसिकली यही, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो हमको डिज़ाइन करने के लिए एक स्ट्रक्चर को, हमको इन सब लोड्स को कंसिडर करना पड़ेगा, जैसे कि डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, अर्थक्विक लोड, इम्पैक्ट लोड एंड अदर लोड। जैसे कि मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, इसमें सारे लोड्स आपको दिख जाएंगे। अर्थक्विक लोड नहीं दिखेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक विंड लोड आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव विंड लोड, जहाँ से लग रहा है इसको हम लोग बोलते हैं विंडवार्ड साइड, एंड जहाँ से नेगेटिव लोड दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं हम लोग लीवर्ड साइड। अब जैसे कि स्नो लोड, ये कहाँ पे होगा? बर्फीली इलाकों में जनरली क्या होता है, बर्फ जम जाता है किसके ऊपर? आप रूफ़ के ऊपर, ठीक है। और अब इसमें लाइव लोड भी दिख रहा है, डेड लोड। अब देखो डेड लोड क्या होता है, जब हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो मटेरियल उसमें जो यूज़ करते हैं, तो जो सेल्फ वेट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेड लोड। जैसे कि पिक्चर में आप देख पा रहे हो, डेड लोड ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ द मेंबर। नेक्स्ट इज लाइव लोड। लाइव लोड क्या होता है? ड्यू टू फर्नीचर, होम अप्लायंसेस के कारण, या फिर हर वो चीज़ जो मूव कर सकते घर के ऊपर या फिर एक स्ट्रक्चर के ऊपर, इंक्लूडिंग अस, ठीक है, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग यू, सब ये सब क्या हो जाएंगे, लाइव लोड, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हमारा है क्या, विंड लोड। विंड लोड हम सभी को पता है किसके कारण आता है, विंड्स के कारण आता है, और इसी को हॉरिजॉन्टल फोर्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज अर्थक्विक लोड, हर कोई जानता है अर्थक्विक लोड क्या होता है, ठीक है। अर्थक्विक लोड क्या होता है, जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं, और जब टकराती हैं तो क्या होता है, एक वाइब्रेशन जनरेट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्थक्विक लोड बोलते हैं। बहुत ही खतरनाक होता है, किसी भी स्ट्रक्चर को कोलैप्स करने के लिए काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट लोड। इम्पैक्ट लोड क्या होगा, मान लो कि कहीं पे कोई घर बना करके मैं रखा हूँ, या कोई स्ट्रक्चर तैयार करके रखा हुआ हूँ, और वहाँ पे क्या हुआ, अचानक से सडनली कोई गाड़ी वाले ने आकर के वहाँ पे ठोकर मार दी, या फिर हो सकता है कि आप कुछ काम स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हो और ड्यू टू हैवी क्रेन मूवमेंट या फिर कुछ इरेक्शन लोड्स के कारण क्या होगा, वहाँ पे इम्पैक्ट जनरेट हो सकता है। अदर लोड्स में क्या जाएगा, जैसे कि स्नो लोड्स की हम बात कर ही चुके हैं, या फिर थर्मल एक्सपांसन या फिर कॉन्ट्रैक्शन, ये सब लोड्स के अंदर में आ जाएगा। अब इन्हीं सबको कंसिडर करके क्या करना है, हमको एक स्ट्रक्चर तैयार करना है, या फिर एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे डिज़ाइन लोड कॉम्बिनेशन नेक्स्ट टॉपिक में। तो थैंक यू।